दोस्तों इंस्टाग्राम पे आप iOS का इमोजी कैसे यूज कर पाएंगे मैं आपको इस वीडियो में जानकारी कर देता हूँ। दोस्तों iOS का इमोजी छोड़ के आप बहुत सारे इमोजी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, हमने बहुत सारे इमोजी को यहाँ पे इंस्टॉल करके रखे है। इमोजी को इंस्टॉल करने के लिए क्या करना होगा मैं आपको डायरेक्टली करके दिखाता हूँ। दोस्तों इमोजी को डाउनलोड करने के लिए आपको अपना प्ले स्टोर को ओपन करना होगा एंड सर्च बार में जाने के बाद जेड फॉन्ट आपको टाइप करना होगा। जेड फॉन्ट का एप्लीकेशन आपके सामने शो हो जाएगा, यहाँ पे आपको इंस्टॉल कर लेना होता है। आपको ध्यान रखना होगा कि आपका जेड फॉन्ट का एप्लीकेशन कैसा दिख रहा है, लुक आपको सेम देख लेना होगा। बहुत ही लो टाइम में आपका इंस्टॉल कंप्लीट हो जाएगा और आपको इसे ओपन कर लेना है। जेड फॉन्ट को ओपन करते ही बहुत सारे परमिशन को आपको अलाउ कर देना है और गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है आपको, और आपके सामने ऊपर इस तरीके से दिख जाएगा, वहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे भी आपको एग्री कर लेना है। आपको यहाँ पे बहुत सारे डिजाइनिंग फॉन्ट मिल जाएगा, इमोजी मिल जाएगा और भी बहुत कुछ मिल जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे फॉन्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अभी जो है इमोजी देखेंगे, तो इमोजी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे इमोजी दिख जाएगा। आप इस तरीके से कोई भी इमोजी को इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि एंड्रॉयड, iOS और भी बहुत सारे इमोजी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद हम नीचे आते हैं, आपको जो भी पसंद है यहाँ पे आप उस इमोजी को इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे 38 नंबर iOS 12 वर्जन वाला यहाँ पे हम इमोजी को इंस्टॉल कर लेते हैं। उसे ओपन करने के बाद आपके सामने ऐड आ जाएगा, जो आपको ऐड को क्रॉस कर देना है। इमोजी का फोटो देखने को मिल जाएगा, नीचे डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो थोड़ा सा डाउनलोड होने में टाइम लगता है, आपको इंतजार कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना होता है एंड यहाँ पे भी आपको बहुत सारे वर्जन मिल जाएगा। यहाँ पे मेथड 1, 2, 3 ओल्ड न्यू सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे 3 वाला लेटेस्ट वर्जन जो है हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। मेथड 3 लेटेस्ट वर्जन हम यहाँ पे क्लिक कर लिए हैं और थोड़ा सा यहाँ पे इंस्टॉलिंग होने में टाइम लगता है, जो आपको थोड़ा इंतजार करना होता है। तब तक हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर जरूर करें एंड हमारा यहाँ पे इंस्टॉल कंप्लीट हो चुका है। डन वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप चाहे तो टेक्स्ट को चेक भी कर सकते हैं, किस तरीके से आप जो है फॉन्ट आता है, आपका इमोजी आता है। जैसे कि हमारा इमोजी यहाँ पे ऐड हो चुका है, आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको इमोजी देखने को मिल जाएगा। एंड आप चाहे तो और कोई भी इमोजी को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना मोबाइल को रीस्टार्ट कर लेना होता है। रीस्टार्ट करने के बाद आप चाहे तो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेज, कमेंट कहीं पे भी आप इमोजी डाल सकते हैं। तो दोस्तों आज की जानकारी बस इतना ही था। जानकारी अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब से जरूर करें।